हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और 2007 वर्जन में कंफ्यूजन आ रही है इस बात को लेकर के कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आईडी या अकॉर्डिंग टू कस्टमर आईडी हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। यानी कि हम सेलेक्ट करें ऑर्डर आईडी 1 तो केवल ऑर्डर आईडी 1 की ही रिपोर्ट जनरेट होकर आए। यानी इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करने में कैसे आपको कामयाबी मिल सकती है, इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए ये देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। एक पहले से मैंने रिपोर्ट तैयार करके रखी है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। ये टेबल देख सकते हैं, कुछ इस तरह का टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम है और आइटम नेम, फिर प्राइस, फिर यूनिट, फिर यहाँ टोटल किया है। तो 2007 यूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा नहीं, तो हमें एक अलग से क्वेरी बनानी पड़ी। तो क्वेरी यहाँ पे मैंने बनाई है और इस क्वेरी में देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये क्वेरी है, ठीक है। और ये क्वेरी मैंने ऐसे लगाई है, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर प्राइस को मल्टीप्लाई किया है यूनिट से और फिर यहाँ से रन पे क्लिक किया है, तो ये रन हो गया है। और फिर इसके बाद एक फॉर्म बनाया हमने और फॉर्म इस तरह से कुछ बनाया है कि यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर आईडी के बेस पे हम सर्च कर सकते हैं। 3 करता हूँ तो 3 ऑर्डर आईडी वाली सारी डिटेल्स आएंगी और 4 करूंगा तो 4 वाली आएंगी। इसी तरह से ऑर्डर आईडी के हिसाब से सारी रिपोर्ट सारा जो डिटेल है वो आएगा। इसके बाद से फिर एक रिपोर्ट हमने जनरेट किया है, ये देख सकते हैं। अब ये देखिए ऑर्डर आईडी 4 सिलेक्टेड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अगर इसको मैं ओपन करता हूँ इस फॉर्म को, तो अभी इसमें कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन अभी मैं अगर 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 3 वाली पूरी डिटेल आ रही है। और फिर अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं, तो अभी भी ये 4 वाली डिटेल आ रही है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो 3 वाली डिटेल यहाँ पर देखिए, ऑर्डर आईडी 3 यहाँ पे सेलेक्ट किया है मैंने और यहाँ पे श्याम नाम है इनका, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कस्टमर का नाम श्याम ही है और ऑर्डर आईडी 3 है और इन्होंने माउस परचेज किया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है वही रिपोर्ट जनरेट होकर आ रही है यहाँ पर भी, ठीक है। अगर मैं यहां से चेंज कर देता हूं, ऑर्डर आईडी 1 कर देता हूं और फिर एक बार रिफ्रेश पर क्लिक करता हूं तो यहां ऑर्डर आईडी 1 आ जाता है। इस तरह की चीज हम कैसे तैयार करेंगे, इस तरह की चीज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कैसे तैयार करेंगे, इसी बात पे फोकस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू डेटाबेस, तो यहां से न्यू पे क्लिक करता हूं, इसको अभी हटा देता हूं और यहां से न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ब्लैंक डेटाबेस दिखाई पड़ेगा, आपको जो भी नाम देना हो यहां पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं डेटाबेस 265 ही रखता हूं और क्रिएट पे कर देता हूं क्लिक। फिर यहां आपको दिखाई पड़ेगा व्यू, तो यहां व्यू पे क्लिक कर दीजिए और टेबल वन आ रहा है, टेबल वन ही रहने देता हूं और यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं, ऑर्डर आईडी कर देता हूं, ठीक है। आप कस्टमर आईडी भी दे सकते हैं, ये हमारी मेन टेबल है, तो यहां पे कर दिया हमने ऑर्डर आईडी और यहां पे ऑर्डर नंबर रखा है मैंने, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पे कर देता हूं आइटम नेम, ये कर दिया हमने आइटम नेम और इसे टेक्स्ट डेटा टाइप दूंगा। और फिर यहां पर जैसे ही आता हूं तो फिर करूंगा यहां पे प्राइस, ठीक है, आइटम की प्राइस क्या है वो चीज यहां पर आएगी और इसे भी टेक्स्ट डेटा टाइप रखूंगा। आप चाहे तो इसमें ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। और यहां पर आने के बाद यहां पे प्राइस के बाद यूनिट की बात करेंगे, तो यूनिट हो सकता है कि पॉइंट में आए, तो यहां पर नंबर रख लेता हूं और इसे बना दूंगा डबल, ताकि डेसिमल में भी हम वैल्यूज एंटर कर पाए। तो यहां डी प्रेस करते ही डबल दिखाई पड़ेगा, आप यहां से ड्रॉप डाउन से भी चूज कर सकते हैं, ये डबल आप यहां से भी जाके चूज कर सकते हैं। फिर यहां पे टोटल करूंगा, ये टोटल हो गया हमारा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 जब यूज करता था मैं, तो यहां पर आपको एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता था, यहीं पर आप कैलकुलेट कर पाते थे, लेकिन यहां पर अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहां पे करेंसी डेटा टाइप रख लेता हूं और अब इसको सेव कर लेता हूं, यहां व्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर एक टेबल हमारी बन चुकी है, देख सकते हैं ये हमारी टेबल है, इसको सेव कर लिया है मैंने टेबल वन नाम, ठीक है। अब हमको क्रिएट पे चलना है और एक इसी के लिए क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी डिजाइन पे जाकर के और फिर यहां से ऐड करवा दूंगा इसको और ये सारी की सारी डिटेल हमें चाहिए, तो सारी डिटेल लेकर के यहाँ पे छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप चाहे तो क्वेरी बना सकते हैं। फिलहाल क्वेरी बनाने के भी पहले हम इसमें कस्टमर का नेम ऐड करना चाहते हैं कि इन सारे के बीच में कस्टमर का नेम भी आ जाए, तो यहाँ पर जाकर के आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की आईडी, ठीक है। मैंने प्राइमरी की ऑर्डर आईडी को बनाया है, आप कस्टमर आईडी को भी बना सकते हो। यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम, ये कर दिया हमने कस्टमर नेम और यहां पर कस्टमर का नेम आएगा। अब इसको व्यू पे क्लिक करता हूं और इस तरह से अब हम बनाएंगे क्वेरी, तो ये हमने कर लिया, इसको सेव कर लिया और फिर क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाके टेबल वन को ले लेता हूं, क्योंकि हमें क्वेरी बनानी है, तो यहां पे डबल क्लिक करके सारी डिटेल्स हमें चाहिए और फिर यहां पे हमें क्वेरी बनानी है, तो कोलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बना करके
प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से, तो ये प्राइस इनटू यूनिट कर देता हूं मैं और ये इस तरह से हो गया। और फिर अब इसको सेव कर लेता हूं और ये क्वेरी वन के नाम से आ रहा है तो मैं इसे कर देता हूं ऑर्डर क्यू, क्यू यानी क्वेरी, ऑर्डर क्यू रख दिया नाम इसका। और अब इसको यहां रन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहां पर कमाल, क्वेरी को रन कराने के बाद जैसे ही यहां कस्टमर का नेम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कस्टमर का नेम लिख दिया राम और आइटम नेम मान लीजिए लिख दिया हमने कीबोर्ड, ये हो गया। प्राइस कीबोर्ड की है ₹220 एक कीबोर्ड की। इस तरह से अगर चार कीबोर्ड परचेस करते हैं तो ₹880। फिर यहां पर आते हैं, दूसरा है कस्टमर श्याम, ठीक है, और ये परचेस कर रहे हैं माउस MOUSE, ठीक है, और यहां पर ₹120 एक माउस की प्राइस है और ऐसे ऐसे 20 माउस इन्होंने परचेस किए तो यहां पर टोटल कितना आ गया ₹2400 आ गया, ठीक है। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेरी लगा दी हमने, ये कैलकुलेट करता रहेगा। अगले कस्टमर का नाम है मनोज और इन्होंने क्या परचेस किया है, इन्होंने परचेस किया है हेडफोन, तो यहां पे लिखता हूं हेडफोन और हेडफोन लिखने के बाद यहां पे 20 हेडफोन परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और एक की प्राइस है आपकी ₹700, तो यहां 700 कर देता हूं और यहां पर 20 हेडफोन ये परचेस कर रहे हैं तो ये 20 लिख दिया हमने, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब यहां पे सेव करेंगे इसको और सेव करने के बाद यहां पर अब हमें फॉर्म बनाना होगा, ठीक है, तो क्रिएट पे चल के और फिर फॉर्म विजार्ड पे चलेंगे हम। ये जो फॉर्म विजार्ड दिख रहा है यहां से आएगा और ये फॉर्म विजार्ड पे जा करके और यहां पे देख सकते हैं हमें क्वेरी ही लेनी है, ठीक है, ये जो हमने क्वेरी बनाई है इसी को हमें लेना है। तो यहां से आप सारी की सारी चीजें ले लीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। डेटा आपको किस फॉर्म में चाहिए ये देख लीजिए, तो हम कॉलमर फॉर्म ही रहने देते हैं और एक्सेस 2007 रहने देते हैं इसमें। और यहां से मॉडिफाई पे जाके और यहां इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, चूंकि ये फॉर्म है तो ऑर्डर एफ कर देता हूं, तो ये हम फॉर्म इस तरह से बना लेंगे। और फिर इन सबको थोड़ा थोड़ा छोटा करना होगा हमको, तो ये छोटा कर लिया हमने और इसको थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस करके और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस करके ये ऑर्डर एफ जो है इसको हटा देंगे। और हटाने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, हटाने के बाद ये जो है ना यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको छोटा करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको भी करना है छोटा, यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे एक साइज का, ये देखे, तो ये हमने कर लिया इस तरीके से। और इसको करने के बाद यहाँ बाहर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करने के बाद यहाँ होम पे क्लिक करके फिर यहाँ पर आकर के फिर इसका कलर जो है चेंज कर देंगे, ठीक है, इस पूरे को सिलेक्शन में लेकर के और फिर यहाँ से इसको ब्लैक बना देंगे और बोल्ड भी कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे, ठीक है, ये हो गया हमारा। ऊपर वाले हिस्से में हमें बनाना है एक कॉम्बो बॉक्स, तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ डिजाइन पे जाएंगे और ये कॉम्बो बॉक्स हम ले लेंगे और लेने के बाद यहां पर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, ड्रैग करते ही ये तीन ऑप्शन आएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फ्रॉम बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माय कॉम्बो बॉक्स, और यहां से ओके प्रेस करेंगे। अब चूंकि हमें सर्च करना है कस्टमर नेम के भरोसे या कस्टमर ऑर्डर आईडी के भरोसे, तो ये ऑर्डर आईडी मैं कर देता हूँ, ऑर्डर आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे और ये ऑर्डर आईडी लेकर के नेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ ऑर्डर आईडी बना रहा है, इसको खाली ऑर्डर आईडी रखते हैं और यहां से ओके कर देंगे। अब इसका भी कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले टेक्स्ट का कलर मैं बदल देता हूं बोल्ड करके और इसे ब्लैक कर देता हूं और टेक्स्ट का कलर यहां पर हम रख देते हैं, ये कलर मुझे ठीक लग रहा है, इसे मैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक करके और जो बैकग्राउंड का कलर है उसे इस कलर में रख देता हूं, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई हल्का कलर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, तो ये इस तरीके से रख लिया हमने। और रखने के बाद इसमें हम पॉपअप में सेटिंग करेंगे, तो यहां पर जा करके आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म है और फॉर्म पे जा करके और फिर यहां देख सकते हैं ये जो पॉपअप है ये नो है, इसको हम खाली यस कर देंगे, ये हमारा काम हो गया। और यहां से अब इसको सेव कर लेते हैं इस फॉर्म को, तो ऑर्डर एफ के नाम से सेव हो चुका है और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लाइक सॉफ्टवेयर लाइक दिखेगा और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये एज लाइक सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा। आप चाहे तो नीचे बटन्स वगैरह भी बना सकते हैं, मैंने फिलहाल बटन नहीं बनाया इसमें कोई, तो ये ऑर्डर एफ नाम से हमने कर लिया इसे सेव। अब बारी है हमारी कि हम एक और क्वेरी बनाए जिसके बेस पर हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेरी बनेगी ये, तो पहले तो हम क्रिएट पे चलेंगे, ठीक है,
ठीक है, और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। ये क्वेरी डिजाइन पे आ गए, अब हमें क्वेरी को ही लेना है, तो ये ऑर्डर क्यू जो है यही हमारी क्वेरी है, इसी को ले लेते हैं और ये सारे के सारे चीजें हमें चाहिए तो यहां पर ड्रैग करके ले आएंगे इसको। ठीक है, ये ले आए हम, और क्राइटेरिया में जाने के बाद यहां फॉर्म्स के अंदर हमें देखना है, यहां पे फॉर्म्स लिखना है आपको, और फॉर्म्स लिखने के बाद यहां एक्सक्लेमेशन लगाइएगा। ठीक है, फॉर्म का क्या नाम है, ऑर्डर एफ, तो ऑर्डर एफ आपको लिखना है यहां पे, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर एफ, एफ नाम यही फॉर्म का नाम है, तो ये फॉर्म कर दिया हमने, और यहां से एक्सक्लेमेशन लगा करके, और फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर आईडी के बेस पे सर्च करना है, तो यहां पे ऑर्डर आईडी कर देंगे हम, ये कर दिया हमने ऑर्डर आईडी, ओके, और यहां से इसको क्लोज करके, और यहां से क्वेरी वन आ रहा है, इसे हम ऑर्डर क्यू कर देंगे, ऑर्डर यहां डबल आर कर देता हूं। ठीक है, अब ये ले लेगा, तो ये देखिए ऑर्डर क्यू के नाम से सेव हो गया, और अब इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। अब हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो यहां क्रिएट पे चल के और यहां रिपोर्ट विजार्ड पे चलेंगे, ये रिपोर्ट विजार्ड पे आ गए हम। ठीक है, और चूंकि हमने डबल आर लिखा था, ऑर्डर क्यू जो अभी क्वेरी बनाई थी उसमें डबल आर लिखा था, तो ये वाली हमारी क्वेरी है, इसको ले लीजिए, सारी चीजें ले लीजिए और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां प्रायोरिटी आप किसको देना चाहते हैं, कस्टमर नेम को देना चाहते हैं, ऑर्डर आईडी को देना चाहते हैं, तो हम कस्टमर नेम को प्रायोरिटी दे देते हैं, फिर हमें चाहिए ऑर्डर आईडी, तो फिर ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, फिर हमें चाहिए आइटम नेम, आइटम नेम ले लिया, फिर प्राइस, फिर यूनिट, तो ये आगे आता चला जाएगा, और यहां नेक्स्ट पे क्लिक करके, फिर यहां नेक्स्ट पे क्लिक करके, और आप चाहते कैसा है, ठीक है, जैसा भी स्टाइल आप चाहते हो, ब्लॉक में चाहते हो, आउटलाइन चाहते हो, जैसा भी चाहते हो आप देख लीजिए किस तरह से आप चाहते हो। अगर ब्लॉक में करेंगे तो ये घेरे में आ जाएगा, आउटलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आपको जैसा भी ठीक लगे, ये ब्लॉक में मैं कर देता हूं, इसे आप उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, और ये इस तरीके से करके नेक्स्ट पे क्लिक करके, और फिर यहां मॉडिफाई करेंगे हम, और यहां से फिनिश पे करेंगे क्लिक, तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब रिपोर्ट जनरेट हम करेंगे, जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब कहां जाना है हमें, ऑर्डर एफ पे जाना है। जब भी हम फॉर्म पे जाएंगे, और फॉर्म पे जाने के बाद यहां से अगर कस्टमर आईडी 3 हम चूज कर लेते हैं, तो देखिए यहां पे कस्टमर आईडी 3 चूज किया है, नाम है मनोज, हेडफोन परचेस किया इन्होंने, 700 रुपए कीमत है, 20 हेडफोन परचेस किया, और कुल मिला के 14,000 रुपए का हेडफोन इन्होंने परचेस किया, और ये आपकी रिपोर्ट खुली हुई है। आपको खाली रिफ्रेश पे क्लिक करना है, एक बार क्वेरी में देख लेते हैं कहीं से दिक्कत हो रही है। ऑर्डर एफ फॉर्म का नाम है, और ये देखिए ये क्वेरी लगाने में कहीं गलती हुई है, और ये ऑर्डर आईडी के बीच में स्पेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, हमने स्पेस दिया नहीं है, तो ये इसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। तो अब ये रन पे क्लिक किया हमने, और अब यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अब ये ओपन हो जाएगा। अभी इसको क्लोज करता हूं, सबको पूरी जो भी कुछ हमने ओपन किया है को सेव कर करके क्लोज करता चलता हूं। कस्टमर ऑर्डर आईडी 2 जिस कस्टमर ने दी थी उसकी पूरी डिटेल आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम नाम है इनका, और ऑर्डर आईडी 2 है इनकी, और इन्होंने माउस परचेस किया है, 120 रुपए का एक है, और फिर यहाँ पे टोटल नहीं दिख रहा है, तो टोटल देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डिजाइन पे जाके और थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देना है, ये छोटा पड़ गया है जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहां से इसको पकड़िए, और इसको खींच करके थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बस आपका टोटल भी दिखने लगेगा यहां से। ये देखिए ये टोटल भी आ रहा है। अगर आप यहां से चूज कर लेते हैं और कोई भी आपको यहाँ की जो आपने पहले चूज किया था 2 उसी की डिटेल दिखाई पड़ेगी, खाली आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है और आईडी 1 की डिटेल आ गई। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपने तैयार कर लिया जिसके बेस पर आप अपने कस्टमर्स की डिटेल देख सकते हैं, किसको क्या बेचा ये देख सकते हैं, इसमें आप डेट वगैरह ऐड करके भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो आपने कर लिया, अब इसमें कुछ ऐड करें तो क्या होगा, तो ऐड जैसे ही करेंगे तो यहां पर भी ऐड हो जाएगा। जैसे ये यहां पर आए, ये तो हमने क्वेरी बना रखी है, इसको अभी क्लोज करते हैं, ये वाली क्वेरी में आए, ठीक है, और यहां पर कुछ लोगों का नाम ऐड हो गया, जैसे यहां पे कर देता हूं युवराज, ठीक है, और यहां पे इन्होंने परचेस किया है ईयरफोन कर देता हूं, और ईयरफोन है 200 रुपए का, और 2 ईयरफोन परचेस किया, फिर यहां पर आए 2 परचेस किया इन्होंने, तो ये 2 नाम एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं। अब इसको सेव कर लेता हूं, सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको क्लोज भी कर देता हूं, और इसको भी क्लोज कर देता हूं, सबको क्लोज करेंगे सेव करके। ठीक है,
अब जैसे इसको ओपन करेंगे, एक मिनट, अब जैसे इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा 5, ये देख रहे हैं, ये 5 दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर आएंगे तो यहां पर भी कुल मिला के 5 डिटेल आपको दिखाई पड़ेंगी। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। और अगर आप कस्टमर आईडी 5 चूज करते हो और फिर यहां से ओपन करते हो इसको, तो यहां पर कस्टमर आईडी 5 की ही डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका काम आसान हो जाएगा। 2007 वर्जन में कैसे हम ये काम कर सकते हैं ये बात आपको पता चल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब देने की जल्दी कोशिश करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।